गाइस वेदर शोइंग कि स्नो स्टॉर्म आ रहा है. स्नो स्टॉर्म नहीं, चुप मुंह क्यों छुपाती है तू. स्नो स्टॉर्म नहीं, डस्ट स्टॉर्म आ रहा है. देख लो भैया, गुड़गांव में डस्ट स्टॉर्म दिखा रहा है इस टाइम पे. सैंड स्टॉर्म इनफैक्ट, डस्ट स्टॉर्म भी नहीं है. पता नहीं क्या सीन है भाई, हमारे यहाँ तो आए दिन स्टॉर्म ही आया होता है. स्टॉर्म वैसे हमारी गाड़ी भी है जिसमें हम बैठ के स्पीति भी जाएंगे. तूफान तो हम लाएंगे वहां पर. यार माइंड फ्रेश हो जाता है, माइंड फ्रेश. आजकल अगर आप नोटिस करोगे ना तो यहाँ ग्रीनरी वगैरह थोड़ी कम हो रखी है क्योंकि हीट वेव आ चुकी है प्रॉपर. और ये देखो कितना ही पास खड़ा है, खड़ा नहीं ऐसे खड़ी है. अभी जैसे ही जिस दिन यहाँ बारिश होनी शुरू हो गई ना, ये दोबारा से पूरा ग्रीन हो जाएगा. इसको पता चल गया कुछ तो हो रहा है, चौकन्ने हो गए एकदम. चलो जी, एक और दोस्त आ रहा है इनका. यार ये बड़े पंख वाले कम है, इसका ये पूरे पंख वाला है नहीं अभी. वो बैठा होता है, एक बार आपको दिखाया मैंने पहले तो. अभी तो यहीं देख ले भाई तू. जा रहा हूँ भाई, जा रहा हूँ, खा ले आराम से. बस गर्मी इतनी ज़्यादा हो चुकी है ना, हीट वेव आ चुकी है प्रॉपर. और टुडे इट्स 43-44 डिग्रीज और बाहर मैं जो खड़ा हूँ ना, ये एसी की बहुत तेज़ मुझे इस टाइम भपके आ रहे हैं. बट देन मैंने सोचा यार बहुत टाइम से आपको पीछे का अपना बैकयार्ड दिखाया नहीं, मतलब बैकयार्ड पीछे का ही होता है, सो आज दिखा दें. और सीन भी बढ़िया हो रखे थे और डियर आ गए, आपको दिखाता हूँ फटाफट. और पीकॉक्स भी इकट्ठे हो रहे हैं इस तरफ कोई. अब क्या है ना, क्योंकि गर्मी से सारे यहाँ पे जो पत्ते पौधे हैं थोड़े जल गए हैं, सो अंदर तक दिख रहा है तो इनकी मूवमेंट भी ईजिली दिखती है. थोड़े दिन में देखना बारिश होती है यहाँ पे पूरा ग्रीन हो जाएगा दोबारा. ये आपको मैंने पहले दिखाई थी अभी, एंड आई जस्ट नोटिस कि यहाँ पर भी एक था. और ये सर तो चल दिए, इन्होंने जब से मुझे देखा है तब से सोच रहे हैं ना भाई ये बंदा गलत है. Few moments later. Finally, लंबे पंखों वाला यहाँ पे घूमता दिख ही गया. छुपा हुआ था अंदर की तरफ, था तो यहीं, बट अब निकल के बाहर आया. अलग ही ब्यूटी लगती है यार ये लंबे वाला दिख जाए ना, अगर कम दिखता है क्योंकि ये ना ऊपर बैठा रहता है. बट आज नहीं बचा हमारी नजरों से. ये फायदा है थोड़ा सा जब नीचे सूख जाए. देखो आवाज कर रहा है. सो गाइस इट्स 7:15 और हम अभी थोड़ा सा बाहर निकले हैं. थोड़ी आपको पता ही है आजकल शॉपिंग चल रही है अपनी, एक ही चीज की तो शॉपिंग चलती है आजकल, है ना स्पीति की. अब हम जो भी बाहर जाएंगे उसी का सामान लेने के लिए जाएंगे. सही में यार, अभी ना हमारा प्लान तो था कि डिकैथलॉन जाएं, निकल भी गए हैं उसकी तरफ, जा भी रहे हैं. देखो मैप पे सेट भी किया हुआ है मैंने, इट्स सेइंग कि 15 मिनट लगेंगे. अभी इट्स 7:30 बट देन द थिंग इज मैप पे आ रहा है कि वो 7:30 तक बंद हो जाएगा, तो लेट्स सी कि हमें बंद मिलता है या खुला मिलता है. क्योंकि आई थिंक अभी पार्शियल लॉकडाउन अभी भी है, इसलिए 8:30 मतलब 7:30-8 तक ना बंद हो रहे हैं काफी सारे स्टोर्स यार. बट सीन ये है कि सब जगह ना ऐसा नहीं है कि बंद ही हो रहा है या फिर जल्दी बंद होना है. जो भी शॉप्स वगैरह है उनको भी अलाउड है वैसे कि आप खोल सकते हो 9 बजे तक. सो आई डोंट नो क्या सीन है, तो हमने कहा फिर भी हम निकल गए तो जाके एक बार देखते हैं. सो खुला हुआ देख लेंगे, वरना एक आध दिन में दोबारा आ जाएंगे. ऐसी कोई दिक्कत तो है नहीं, बाहर तो हमारे को एनीवे निकलना ही था. क्या पता हमें एंट्री मिल जाए और हम आराम से अपनी चीजें खरीद पाए. मिल भी सकती है यार, हो सकता है ना भी मिले. ना मिली तो ना मिली, मिल गई तो मिल गई. पता कहीं और देखते हैं, कुछ तो करेंगे. हम निकल गए हैं जब, कुछ तो जीन्स लेके जाएंगे, कुछ तो लेके जाएंगे. आया हूँ तो कुछ लेके जाऊंगा, ऐसे नहीं कर जाऊंगा. ये देख लो भाई, मतलब कहीं जाम ना लगे ना, ठेके के सामने तो लगता ही लगता है. यहाँ ना लगे तो मतलब समझ लो वो ठेका नहीं है. पूरी रोड खाली है और ठेके के सामने जहाँ मन करता है लोग गाड़ी लगाते हैं और जाएंगे भाई ये. चलो भाई कोई बात नहीं, फंस लेंगे थोड़ा सा. नहीं नहीं गाड़ी ठीक हुई है मेरी, चलाने दो यार. अरे हाँ ये भी आपको बता रहा, सर्विस होकर आई है, मक्खन चल रही है अभी एकदम. तो कुछ दिन कोशिश करेंगे जहाँ भी जाएंगे इसे ही चलाएंगे. गाइस ये रहा डिकैथलॉन, बड़ा पता नहीं क्या है, पार्किंग का सीन जा ही नहीं पा रहे यार. पूरा ऑफ रोड उतार दी गाड़ी, बट इसके लिए जगह ही नहीं मिल रही है. कंस्ट्रक्शन चल रही है कहाँ कहाँ, मैप जहाँ बोल रहा है वहां से गए, वो तो कुछ और ही जगह थी. ओ भाई जेसीबी रुक जा जेसीबी रुक जा. एक हाथ से ब्लॉग, एक हाथ से गाड़ी, एक हाथ से गियर का, तीन हाथ तो है नहीं मेरे पास. मेरा है ना एक हाथ, तो पकड़ फिर. सो
सो गाइस डीकैथलॉन का प्लान तो नहीं हो रहा, पोस्टपोन ही करना पड़ेगा यार। वहाँ पर हम पहुँचे तो वो पार्किंग का तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। कूटा सिटी सेंटर में है वैसे, वो आपको बता दूँ, जो मेट्रो स्टेशन है वहीं पर, तो वहाँ खुदाई हो रखी है, तो बहुत ही बुरा हाल है। सो हमने कहा फिर किस दिन देखेंगे, तो निकल ही गए वहाँ से। एक आधा दिन में चेक करते हैं। अभी आप देख लो अंधेरा हो गया हमारे पे, ऑलमोस्ट एक घंटा हो गया और हम नहीं जा पाए अंदर। सो कोई पॉइंट नहीं था कि आप जाएं, वैसे ही बंद हो चुका होता, पार्किंग में लगा था, दूर जाते भी। कंस्ट्रक्शन की वजह से मेन प्रॉब्लम आ गई ना। आपको याद होगा हम पहले आपको यहाँ पे लाए थे तो गाड़ियाँ थी ही नहीं, और अब देखो सब खुल गई हैं टपरी और गाड़ियाँ भी भरी पड़ी हैं। पैर रखने की जगह नहीं है भाई आज। तो गाइस हमें लेप्स्टा पिज्जा वे, ये देखो बहुत प्यारी सी शॉप इन्होंने खोली हुई है यहाँ, मशहूर पिज्ज़ा पाव। ये यूजुअली हमने पढ़ा होता है मशहूर कुछ इंडियन जो होती है ना चीज़ें, ये मशहूर चाप वाला कुछ, मशहूर पिज्ज़ा वाला, क्या बात है। ये इनकी मेन्यू है, ये भैया का ओवन है जिसमें पिज्ज़ा बना रहे हैं वे, और हमने ऑर्डर करी है गार्लिक ब्रेड। कितने पीस? भैया डिलीवरी भी करते हो यहीं पर ही है सिर्फ? अभी तो यहीं पर डिलीवरी नहीं है ना, यहाँ पर ही लेना होता है। ठीक है, और टाइमिंग्स क्या है आपके? 10 मिनट का टाइमिंग खोलने का। हाँ, वो 5 बजे से 10:30 बजे। 5 बजे शाम को ही खुलता है ना, दिन में नहीं होता? ठीक है, 5 से 10:30। ठीक है, तो कैसे भाग के कोल्ड कॉफी ले आए अपने अड्डे से वही, और बेस्ट चीज़ है इनकी पत्ते की प्लेट में उन्होंने दी है, सो दैट्स रियली गुड। देखो सही है ना, खाते हैं बड़ा बड़ा, देखने क्या सीन है। एकदम देसी स्टाइल वाले होता है ना जो, वो है अमेजिंग, ऐसे घर में बनती है। तो कैसे हुडा मार्केट है सेक्टर 56, जहाँ मैंने आपको पहले भी दिखाया है। जैसे ही, अरे यार बाइक वाले शोर कर रहे हैं, जैसे ही इधर आओगे ना पार्किंग में, एकदम सामने सामने ही यहाँ पर एक आपको दिख जाएगा स्टॉल कह लो या फिर शॉप जो भी। सो गाइस जब से हमने रिवील किया है कि हम स्पीति जा रहे हैं, बहुत सारे लोगों के हमें टेक्स्ट आ रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल करके पूछ रहे हैं कि तुम पहुंच गए हो, तुम चले गए हो, रस्ते में हो, या तुम कब जा रहे हो। देखो मेरे लोग तो ऐसा नहीं पूछ रहे, उन्हें पता है डेली व्लॉग्स आ रहे हैं तो कैसे पहुंच गए होंगे। इसी के कुछ लोग हैं जो पूछ रहे हैं पहुंच गए हो क्या। हां, एक दो ने पूछा मुझे उसी टाइम मुझसे पूछा कि क्या तुम रस्ते में हो, और बहुत लोगों ने ये पूछा कि तुम कब जा रहे हो। तो फाइनली अब हम आपको बता रहे हैं कि हम लोग जा रहे हैं 16th July को जा रहे हैं, और वापस आएंगे हम कुछ 22nd या 23rd को। सो जस्ट एक बफर डे रख रहे हैं, क्योंकि यू नेवर नो कि वहाँ पे कैसा होगा, और जैसे होता है कई बार अगर लैंडस्लाइड हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो बंदा अटक जाता है। सो वी आर जस्ट कीपिंग दैट बफर डे। तो मैंने आपको पहले जैसे बताया था कि 7 से 8 दिन का हमारा ट्रिप होने वाला है, तो वही है सीन, 16 July को जा रहे हैं। उसके पहले सारी प्रिपरेशन आपको पता चल ही रही हैं, आज ही प्रिपरेशन इतना हुई नहीं, तुमने खाने निकल गए यार। कुछ भी हो जाए खाना इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा हमारे लिए। तो अभी घर जा रहे हैं फटाफट, टाइम ऑलमोस्ट 9 बजने वाले होंगे। सो अब जाते हैं घर पे, तो आज खिचड़ी खानी है, तो उसके पहले हमने सोचा गार्लिक ब्रेड खा लें थोड़ी सी। मोटे होने का तो शौक हमें हुआ ही पड़ा कि तो होकर ही नहीं यार, वर्कआउट ही मिस हो गया 2 दिन से। वर्कआउट मिस, हाँ कल भी मिस हुआ ना, 2 दिन से वर्कआउट मिस हुआ, बट उसके पहले 2-3 दिन लगातार हो रहा था। कोई बात नहीं, कवर अप कर लेंगे। घर निकल रहे हैं बस फटाफट यार, डेट्स को पता चल गई है, अब टाइम पास आता जा रहा है। और जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था, 1-2 दिन में ना बहुत एक तगड़ी चीज होने वाली है, बताना नहीं है अभी, क्योंकि अगर हो गई तो ही बताऊंगा मैं आपको। वैसे समझ लो कि मैंने आपको जैसे पहले बोला था कि छत नहीं फाड़ेगी वो चीज, आसमान फाड़ देगी। सो लेट्स सी, हो जाए तो जस्ट कीपिंग अ फिंगर्स क्रॉस, तो बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल हो जाएगा हमारा ट्रिप। अभी चलते हैं घर फटाफट, बाकी चल के फिर रात को बात करेंगे, ठीक है चलो। हेलो गाइज, वी आर बैक होम। अभी आपने पहले भी मारा देख लिया था, बढ़िया सी कोल्ड कॉफी पी कर आए और बढ़िया सी ब्रेड स्टिक खा कर आए। कोल्ड कॉफी तुमने पी थी? कोल्ड कॉफी मैंने पी थी मेनली, बट अब घर आके सिर्फ हमने खाई खिचड़ी। अच्छी थी वो भी, खिचड़ी बहुत बढ़िया, खिचड़ी बहुत बढ़िया बनती है हमारे घर, और कभी मौका मिले ना आ जाओ गुड़गांव। बट देखो 16 से पहले आना या फिर 23rd के बाद आना, क्योंकि डेट्स तो आपको पता चल गई है कि हम कब से कब तक जा रहे हैं, बता दिए। एक और चीज़ थी यार, हम लोग ना आज सोच रहे थे कि स्पीति का जो सीरीज होने वाली है उसका ना कुछ नाम रखें, कुछ नाम डिसाइड करें, बट
समझ नहीं आ रहा क्या रखें, सो वील थ्रो यू टू यू गाइज. एक बार अगर आपको कुछ समझ आ रहा है तो जो स्पीति की हमारी सीरीज है तो उसके लिए कुछ सजेशंस प्लीज कमेंट करके हमारे को बताना. अगर हमारे को बहुत अच्छे लगेंगे वील हाईली अप्रिशिएट इट, और हम हो सकता है उसको यूज़ कर लें क्योंकि हम भी सोच रहे हैं साथ साथ. तो अगर आपको कोई दिमाग में आता तो प्लीज़ हमारी हेल्प कर दो यार इस चीज़ में. और अगर जो जो लोग देख रहे हैं, आई नो व्यूज़ आते हैं जिन जिन लोगों के, कमेंट नहीं करते ज़्यादातर, बट देन रिक्वेस्ट है गाइज अगर आप कर सको कुछ भी चीज़ दिमाग में आ रही है तो डू कमेंट, और हम उसका शाउट आउट भी देंगे कि आप जिसने भी अच्छा करा और हमारे को लगा कि एक्चुअली हम उसे यूज़ कर सकते हैं. सो हो सके तो करना. बाकी 23rd तक आपको हमने बता दिया, 16 से 23rd हम दिल्ली में गुड़गांव में नहीं, मतलब हमारी स्पीति सीरीज़ का नामकरण होने वाला है. हाँ स्पीति सीरीज़ का नामकरण है भाई. देखो हमारी ना पहली ऐसी राइड होने वाली है जो ड्रीम ड्राइव एक्चुअली राइड नहीं, बाइक पे नहीं जा रहे हम. सो उसके लिए हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं. सारे व्लॉग्स उसी की बात होती है यार, ऑब्वियस बात है ना, वही होगी और क्या करेंगे हम. लेट्स सी कौन कितना दिमाग लगाता है और कितने ज़्यादा क्रिएटिव हमारे फैमिली के मेंबर्स हैं तो भी पता चल जाएगा. मैं भी चलाऊंगी दिमाग. देखो आज कौन है मेरे साथ. कौन है तेरे साथ? गाउन वाली मम्मी. इनको सब जानते हैं, इनको कौन नहीं जानता, मतलब हमारे से ज्यादा इनको लोग जानते हैं. हम उस दिन बाहर गए थे कहीं पे मोमोज खाने, मोमोज वाले के सामने यशवी और बात कर रहे थे, वही मोमोज वाला जिनकी हमने वीडियो बनाई थी ना. तो वो बात कर रहा, वो यशवी बात कर रही उनके सामने कि मम्मी के लिए ले चलते हैं. वो पूछता आपको अपनी मदर इन लॉ के लिए लेके जाना है या अपनी मम्मी के लिए लेके जाना है. हमने कहा मतलब ये क्या मतलब हुआ. कहा था मैंने आपकी मम्मी को देखता हूँ ना व्लॉग्स में. तो ऐसे सीन चल रहे हैं भाई. और ये आना नहीं चाहते, शर्माते हैं कि मैं तो भैया नहीं आऊंगी गाउन में. अब इस टाइम रात हो रही है और कितने 10:30 तो हो ही रहे होंगे. पर तुम ज्यादातर रात को बनाते हो ना, तब तो गाउन पहना होता है. तो वॉक करने सब उसी बात है यार. कोई आपके घर में क्या फैशन शो चल रहा होता है, मम्मी रैंप वॉक कर रही होती है, नहीं करती. नाइट ड्रेस में तो बुरे लगते हैं ना. नहीं नाइट ड्रेस में दिन में यार ये इनको बताओ कोई फैशन शो चलता है क्या यार. प्लीज कमेंट करके बताना कि ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही लगते हैं. इनको थोड़ा सा मोटिवेट करना है इस चीज में, और ये मानते नहीं है, इनको लगता है कि ये नहीं आएंगे. लो ना जब बंदा तैयार होता है ऐसे रात को गाउन पहने तो क्या फर्क पड़ता है उस चीज से. चलो कोई बात नहीं, नहीं पड़ता तो ठीक है. तो अब सबको पता है कि हम छत पे आ गए हैं, वॉक कर रहे हैं. तो ये हमारा अब हम एंड करेंगे हमारी आज की वीडियो को. यार उसके पहले मुझे एक चीज बोलनी है, एंड तो हम कर ही रहे हैं बट देन आज ना हम ऊपर आने नहीं वाले थे क्योंकि ह्यूमिड इतना ज्यादा और इतनी ज्यादा गर्मी है. बट लकीली इस टाइम पे बादल हैं और हवा चल रही है, इतनी ठंडी नहीं है बट देन चल रही है तो ठीक लग रहा है. तो अच्छा लग रहा है वॉक करके. हो सकता थोड़ी देर कर लें बट करने वाले थे नहीं हम. बट देन थैंक यू गाइस फॉर मेकिंग अस अ पार्ट ऑफ योर डे वंस अगेन. कल मिलते हैं बढ़िया से व्लॉग में, और जल्दी मिलते हैं पहाड़ों पे स्पीति में. सो तब तक के लिए डू व्हाट एवर यू वांट टू डू. बाकी हम तो मजे कर ही रहे हैं. और हमारी टैगलाइन क्या आजकल? आप हैं तो हम हैं, है, आप नहीं, नहीं तो हम कुछ भी नहीं. चलो इसी बात पे बाय, गुड नाइट.